देवता सामान्य प्रतिष्ठा। श्री भगवान कहते हैं, अब मैं देव समुदाय की प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। यह भगवान वासुदेव की प्रतिष्ठा की भांति ही होती है। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, ऋषि तथा अन्य देवगण ये देव समुदाय हैं। इनके स्थापना के विषय में जो विशेषता है वो बतलाता हूं। जिस देवता का नाम जो है उसका आदि अक्षर ग्रहण करके उसे मात्राओं द्वारा भेदन करें, अर्थात उसमें स्वर मात्रा लगावें, फिर दीर्घ स्वरों से युक्त उन बीजों द्वारा अंगन्यास करें। उस प्रथम अक्षर को बिंदु और प्रणव से संयुक्त करके बीज माने। समस्त देवताओं को मूल मंत्र के द्वारा ही पूजन एवं स्थापन करें। इसके सिवा मैं नियम, व्रत, कृच, मठ, सेतु, ग्रह, मासोपवास और द्वादश श्रीवत आदि की स्थापना के विषय में भी कहूंगा। पहले शिला, पूर्ण कुंभ और कांस्य पात्र लाकर रखें। साधक ब्रह्मकूर्च को लाकर तदत विष्णु परमम मंत्र के द्वारा कपिला गौ के दुग्ध से यवमय चरु श्रपित करें। प्रणव के द्वारा उसमें धृत डालकर दरवी कलछी से संगठित करें। इस प्रकार चरु को सिद्ध करके उतार लें। फिर श्री विष्णु का पूजन करके हवन करें। व्याहृति और गायत्री से युक्त त्वदीप्रासो आदि मंत्र से चरु होम करें। विश्वचक्षु आदि वैदिक मंत्रों से भूमि, अग्नि, सूर्य, प्रजापति, अंतरिक्ष, धौ, ब्राह्मा, पृथ्वी, कुबेर तथा राजा सोम को चतुरंथ एवं स्वाहा संयुक्त करके इनके उपदेश से आहुतियां प्रदान करें। इंद्र आदि देवताओं को इंद्र आदि संबंधित मंत्रों द्वारा आहुति दें। इस प्रकार चरुभागों का हवन करके आदर पूर्वक दिग्बलि समर्पित करें। फिर 108 पलाश समिधाओं का हवन करके पुरुष सूक्त से धृत होम करें। इरावती धेमतु मंत्र से तिलाष्टक का होम करके ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव इन देवताओं को पार्षद, ग्रहों तथा लोकपालों के लिए पुनः आहुति दें। पर्वत, नदी, समुद्र इन सबके उपदेश से आहुतियों का हवन करके 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करके सुश्रुवा द्वारा 3 पूर्ण आहुति दें। पितामह वौष्ट संयुक्त वैष्णव मंत्र से पंचगव्य तथा चरु का प्राशन करके आचार्य को सुवर्णयुक्त तिलपात, वस्त्र एवं अलंकृत गौ दक्षिणा में दें। विद्वान पुरुष भगवान विष्णु प्रियताम ऐसा कहकर व्रत का विसर्जन करें। मैं मासोपवास आदि व्रतों की दूसरी विधि भी कहता हूँ। पहले देवाधिदेव श्री हरि को यज्ञ से संतुष्ट करें। तिल, तंडुल, निवार, श्यामाक अथवा यव के द्वारा वैष्णव चरु अर्पित करें। उसको धृत से संयुक्त करके उतार कर मूर्ति मंत्रों से हवन करें। तदनंतर मासाधिपति विष्णु आदि देवताओं के उपदेश से पुनः होम करें। ओम श्री विश्वेणे स्वाहा, विष्णवे वभूषणाय स्वाहा, विष्णवे शिपिस्विष्टाय स्वाहा, नरसिंहाय स्वाहा, ओम पुरुषोत्तमाय स्वाहा आदि मंत्रों से धृत प्लवित अश्वस्थ वृक्ष की 12 समिधाओं का हवन करें। विष्णु रराटमसी मंत्र के द्वारा भी 12 आहुतियां दें। फिर इदम विष्णु इरावती मंत्र से चरु की 12 आहुतियां प्रदान करें। त्वदीप्रासो आदि मंत्र से धृताहुति समर्पित करें। फिर शेष होम करके 3 पूर्ण आहुति दें। हिंजत्ते आदि अनुवाक का जप करके मंत्र के आदि में स्वकृतिक मंत्रोच्चारण के पश्चात पीपल के पत्ते आदि के पात्र में रखकर चरु का प्राशन करें। तदनंतर मासाधिपतियों के उपदेश से 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। आचार्य उनमें 13वां होना चाहिए। उनको मधुर जल से पूर्ण 13 उत्तम कलश, उत्तम शत्र, पादुका, श्रेष्ठ वस्त्र, सुवर्ण तथा माला प्रदान करें। व्रत पूर्ति के लिए सभी वस्तुएं 13-13 होनी चाहिए। गौएं प्रसन्न हो, विहर्षित होकर चरें। ऐसा कहकर पौंसला, उद्यान, मठ तथा सेतु आदि के समीप गोपत गोचर भूमि छोड़कर 10 हाथ ऊंचा यूप निवेशित करें। गृहस्थ घर में होम तथा अन्य कार्य विधिवत करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार गृह में प्रवेश करें। इन सभी कार्यों में जनसाधारण के लिए अनिवार्य अन्न सत्र खुलवा दें। विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। जो मनुष्य उद्यान का निर्माण कराता है वो चिरकाल तक नंदन कानन में निवास करता है।
मठ प्रदान से स्वर्गलोक एवं इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। प्रपादान करने वाला वरुणलोक में तथा पुल का निर्माण करने वाला देवलोक में निवास करता है। ईंट का सेतु बनाने वाला भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। गोपथ निर्माण से गोलोक की प्राप्ति होती है। नियमों और व्रतों का पालन करने वाला विष्णु के सारूप को अधिगत करता है। कृच्छ व्रत करने वाला संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। ग्रहदान करके दाता प्रलय काल पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। गृहस्थ पुरुषों को शिव आदि देवताओं की समुदाय प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जीर्णोद्वार विधि। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मन अब मैं जीर्णोद्वार की विधि बतलाता हूं। आचार्य मूर्ति विभूषित करके स्नान करावे। अत्यंत जीर्ण अंगहीन भग्न तथा शिला मात्र वशिष्ठ विशेष चिन्ह से रहित प्रतिमा का परित्याग करें। उसके स्थान पर पूर्ववत देवग्रह में नवीन स्थिर मूर्ति का न्यास करें। आचार्य वहां पर भूत शुद्धि प्रकरण में उक्त संहार विधि से संपूर्ण तत्वों का संहार करें। गुरु नरसिंह मंत्र की सहस्र आहुतियां देकर मूर्ति को उखाड़ दें। फिर दारुमय मूर्ति को अग्नि में जला दें। प्रस्तर निर्मित विसर्जित प्रतिमा को जल में फेंक दें। धातुमयी या रत्नमयी मूर्ति हो तो उसे समुद्र की अगाध जलराशि में विसर्जित कर दें। जीर्णांग प्रतिमा को यान पर आरूढ़ कर वस्त्र आदि से आच्छादित करके गाजे बाजे के साथ ले जाएं और जल में छोड़ दें। फिर आचार्य को दक्षिणा दें। उसी दिन पूर्व प्रतिमा के प्रमाण तथा द्रव्य के अनुसार उसी प्रमाण की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार कूप वापी और तड़ाग आदि का जीर्णोद्वार करने से भी महान फल की प्राप्ति होती है। उत्सव विधि का कथन। श्री भगवान कहते हैं, अब मैं उत्सव की विधि का वर्णन करता हूं। देव स्थापन होने के पश्चात उसी वर्ष में एक रात त्रिरात्र या अष्ट रात्र उत्सव मनावे, क्योंकि उत्सव के बिना देव प्रतिष्ठा निष्फल होती है। हयन या विषुव संक्रांति के समय शयनोपन या देवग्रह में अथवा कर्ता के जिस प्रकार अनुकूल हो भगवान की नगर यात्रा करावे। उस समय मंगलांकुरों का रोपण नृत्य गीत तथा गाजे बाजे का प्रबंध करें। अंकुरों के रोपण के लिए शराव परई या हंडियां श्रेष्ठ मानी गई हैं। यव शाली तिल मृदुंग गोधुन श्वेत सशर्प कुलत माश और निष्वाव को प्रक्षालित करके वपन करें। प्रदीपों के साथ रात्रि में नगर भ्रमण करते हुए इंद्रादि दिक्पालों कुमुद आदि दिग्गजों तथा संपूर्ण भूत प्राणियों के उद्देश्य से पूर्वादि दिशाओं में बलि प्रदान करें। जो मनुष्य देवी बिंब का वहन करते हुए देवयात्रा अनुगमन करते हैं उनको पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आचार्य पहले दिन में देव मंदिर में जाकर देवता को सूचित करें, भगवान देवश्रेष्ठ आपको कल तीर्थ यात्रा करनी है। सर्वज्ञ आप उसका आरंभ करने की आज्ञा देने में सदा समर्थ हैं। देवता के सम्मुख इस प्रकार निवेदन करके उत्सव कार्य का आरंभ करें। चार स्तंभों से युक्त मंगलांकुरों की घटिका से समन्वित तथा विभूषित वेदिका के समीप जाएं। उसमें मध्य भाग में स्वस्तिक पर प्रतिमा का न्यास करें। काम्य अर्थ को लिखकर चित्रों में स्थापित करके अधिवासन करें। फिर विद्वान पुरुष वैष्णवों के साथ मूल मंत्र से देव मूर्ति के अंगों में धृत का लेपन करें तथा सारी रात धृतधारा से अभिषेक करें। देवता को दर्पण दिखलाकर आरती गीत वाद्य आदि के साथ मंगल कृत्य करें। व्यंजन डुलावे एवं पूजन करें। फिर दीप गंध तथा पुष्पादि से यजन करें। हरिद्रा कपूर केसर और श्वेत चंदन चूर्ण को देव मूर्ति तथा भक्तों के सिर पर छोड़ने से समस्त तीर्थों के फल की प्राप्ति होती है। आचार्य यात्रा के लिए नियत देवमूर्ति की रथ पर स्थापना और अर्चना करके छत्र चमर तथा शंखनाद आदि के साथ राष्ट्र का पालन करने वाली नदी के तट पर ले जाए। नदी में नहलाने से पूर्व वहां तट पर वेदी का निर्माण करें। फिर मूर्ति को यान से उतारकर उसे वेदिका पर विन्यस्त करें। वहां चरु निर्मित करके उसके आहुति देने के पश्चात पायस का होम करें। फिर वरुण देवता संबंधी मंत्रों से तीर्थों का आवाहन करें। आपोहिष्टा आदि मंत्रों से उनको अर्ध प्रदान करके पूजन करें। देवमूर्ति को लेकर जल में अर्धमर्शन करके ब्राह्मणों और महाजनों के साथ स्नान करें। स्नान के पश्चात मूर्ति को ले जाकर वेदिका पर रखें। उस दिन देवता का वहां पूजन करके देव प्रासाद में ले जाएं। आचार्य अग्नि में स्थित देव का पूजन करें।
ये उत्सव भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है।